अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर फनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल OMG-Engineer। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो का आगाज़ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से करते हैं जो कि बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आप तक, आपके घरों में लगे हुए नॉन इन्वर्टर टाइप AC 1.5 टन की कंजप्शन के बारे में आपको डिटेल्स देना है कि 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर AC जो है वो कितनी बिजली जो है वो एक घंटे के अंदर इस्तेमाल करता है, जिससे आप इजीली अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आप के घर में जो AC आप कितने घंटे यूज़ करते हैं और उन घंटों की डेली की आपके AC की कंजप्शन कितने यूनिट्स की है। जी तो नाज़रीन, आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, सोलर सिस्टम, नेट मीटरिंग, इससे रिलेवेंट जो है मैं अपने चैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो जो है वो अपलोड करता रहता हूँ, वो आप तक जो है वो ज़रूर पहुँच सकें। यह वो 1.5 टन का डॉलर्स का AC जो कि मैंने ऑन कर दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि एक नॉन इन्वर्टर AC जो है वो एक अच्छे जो है वो स्टेबलाइज़र के बगैर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस कभी भी अच्छे तरीके से नहीं दे सकता। तो इसका स्टेबलाइज़र जो है हमने कुछ यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। जी तो दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये 1.5 टन का डॉलर्स का नॉन इन्वर्टर AC जो है वो अपनी स्टार्टिंग के ऊपर 9 एम्पीयर का करंट जो है वो यूज़ कर रहा है। नॉन इन्वर्टर AC का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि थ्रू आउट इट्स ऑपरेशन ये जो है वो अपना करंट जो है वो रिड्यूस नहीं करता इन्वर्टर ACs की तरह। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारा AC जो है वो 9 एम्पीयर का करंट जो है वो यूज़ करेगा। तो इसके हिसाब से हम जो है इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि ये एक घंटे के अंदर कितनी बिजली जो है वो कंज्यूम करता है। उसके लिए हमको इस 9 एम्पीयर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा 220 वोल्ट के साथ, जो कि हमें बताएगा ये कितने वाट जो है वो इस वक्त कंज्यूम कर रहा है। 9 मल्टीप्लाई बाई 220 वोल्ट आप करेंगे तो उसका जवाब जो आएगा 1980 वाट आएगा। इस 1980 वाट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो कि 1.98 या अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 2 कंसीडर कर लेते हैं कि 2 यूनिट जो है ये एक घंटे के अंदर जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो इस 2 यूनिट्स के हिसाब से आप अपने 1.5 टन नॉन इन्वर्टर AC का जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने घंटे AC को यूज़ करते हैं। लेट्स से कि हम 8 घंटे जो है वो इस नॉन इन्वर्टर AC को यूज़ करते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये आंसर आएगा 16, मतलब कि 16। आप 8 घंटे नॉन इन्वर्टर AC को यूज़ करने के बाद जो है वो 16 यूनिट जो है वो कंज्यूम कर रहे होंगे, और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाई 30, तो इससे आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महीने के अंदर जो है वो कितने यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा। अगर हम बात करें एक नॉन इन्वर्टर AC को रिप्लेस करने की एक इन्वर्टर AC के साथ, तो 1.5 टन का एक इन्वर्टर AC जो है वो इससे तकरीबन हाफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम करता है। जितना जरिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नॉन इन्वर्टर AC इतने ही घंटे इस्तेमाल होने के बाद जो वो कितने यूनिट्स जो बिजली कंज्यूम करता है, तो आपको इस वीडियो को जो है लाइक करना पड़ेगा, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं नॉन इन्वर्टर AC के ऊपर भी अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊँ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें मेरे चैनल को। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जज़ाकअल्लाह।